दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं गिल्ड नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूं। बहुत सारे बंदों को पता ही नहीं है गिल्ड नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट प्रॉब्लम है क्या और ये होता क्यों है, और बहुत सारे बंदों ने वीडियो देखने के बाद भी उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों है और ये हो क्यों रहा है, मैं सबका सोल्यूशन मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। पहले बात कर लेते गिल्ड नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट प्रॉब्लम होता क्यों है। जिनको पता नहीं है उनको मैं बता दूं, जो नाम आपने सिलेक्ट किया हुआ होता है कि इस नाम से गिल्ड बनाना है और उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, इसका मतलब जो नाम आपने सिलेक्ट किया था उस नाम से किसी दूसरे बंदे ने तुमसे पहले गिल्ड बना लिया है। इस वजह से एक नाम का दो गिल्ड बन नहीं सकता, इस वजह से गिल्ड नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट प्रॉब्लम बताता है। और अभी बात करते बहुत सारे बंदों ने पुराने वीडियो देखे हैं और यूनिक कोड लगाने के बाद भी उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, वो क्यों होता है वो भी मैं बताता हूँ। दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि हर एक चीज अपडेट होता रहता है, हर एक चीज में अपडेट आती रहती है, तो यूनिक कोड के जो वेबसाइट्स हैं उनमें भी अपडेट आते रहते हैं और फ्री फायर में भी। इस वजह से बहुत सी बार ऐसी होती है कि वो चीजें काम नहीं करती, लेकिन आज जो मैं कोड देने वाला हूँ वो बिल्कुल ही अपडेटेड है और नया वाला है, जिससे आप लोगों का प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताऊँ इससे पहले मैं एक डेमो दिखाना चाहता हूँ। ये मैंने नाम चूज किया है क्रिमिनल, इससे जब भी मैं गिल्ड क्रिएट करना चाह रहा हूँ तभी गिल्ड नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट प्रॉब्लम बता रहा है, ये देख सकते हो। काफी बार मैंने कोशिश कर ली मगर गिल्ड नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है। तो चलिए बढ़ते अभी सोल्यूशन की तरफ। इसका सोल्यूशन के लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च कर लेना है यूनिक कोड U280B। सर्च करने के बाद ये बहुत सारी वेबसाइट आपको दिखेंगी, लेकिन सबसे पहले ये वाला ट्राई कर लेना है, फर्स्ट वाला। यहाँ पे जो थ्री डॉट वाला बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा, पहले आपको कॉपी करना है। और बहुत सारे बंदों को प्रॉब्लम भी हो सकती है, दो तीन बार ट्राई करोगे तो कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आपको गेम में जाना है। गेम में आने के बाद आपने जो नाम यहाँ पे सिलेक्ट किया था उसके राइट साइड में आप लोगों को वो बॉक्स डालना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे थ्री डॉट दिखेगा लेकिन वो शो नहीं करेगा आगे, ठीक है। तो अभी हम ओके कर लेते हैं। देखो गाइज वहाँ पे शो नहीं कर रहा है थ्री डॉट, वो गायब हो चुका है। अभी देखते हैं हम क्रिएट करके होता है कि नहीं होता है। जैसे कि देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे मेरा क्रिमिनल वाला गिल्ड बन चुका है। अगर आपको वो कोड लगाने के बाद भी अगर प्रॉब्लम आता है तो आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। आपको दोबारा से उसी वेबसाइट में जाना है जहाँ से आपने वो कोड उठाया था। वहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे कोड्स है जिसको आप यूज कर सकते हो, और यूज कैसे करना है थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हो। नेम के आगे भी डाल सकते हो, नेम के बाद भी डाल सकते हो, ठीक है। और जो कोड्स है वो दो बार भी डाल सकते हो, यानी एक कोड को दो बार पेस्ट कर सकते हो नेम के बाद। बस कुछ इस तरह आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जिन जिन को नेम डिजाइन करना नहीं आता है तो इस वीडियो पे क्लिक करके आप लोग नेम डिजाइन करना सीख सकते हो।